Andy, you can share yourself, sir. ओके जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और गुरु जी की सारी प्यारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। मैं गुरु जी को थैंक्स करूंगी सबसे पहले कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग, अपनी जर्नी जो है गुरु जी के साथ इस जन्म में जब से जुड़ी हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्योंकि गुरु जी कहते थे सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो आज मुझे मौका दिया है गुरुजी ने, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो सब अपना जो भी एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ वैसे ही शेयर कर पाऊँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए संगति तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरी जर्नी इस जन्म में गुरु जी के साथ, जो वैसे तो गुरु जी कहते थे कि आपको नहीं पता आप कब से गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, बट हाँ इस जन्म में मैं ये 2006 में 28 जनवरी 2006 और तब लेजर वैली में आए थे गुरु जी गुड़गांव को ब्लेस करने के लिए। तो हमारी सोसाइटी से आंटी हैं पुष्करणा आंटी, वो जाते थे गुरु जी के पास। तो आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी आ रहे हैं तो आप लोग आना वहां पे गुरु जी की ब्लेसिंग लेने। तो इससे पहले टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे पहले हम कभी किसी गुरु के पास नहीं गए थे, किसी गुरु से जुड़े हुए नहीं थे, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और हमें मतलब मालूम भी नहीं था कि कैसे क्या है। और उस दिन था सैटरडे का दिन, मेरे अंकल जो है वो जाते थे ऑफिस, तो वो तो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि सुबह गुरु जी का जो सत्संग का टाइम था जिस समय गुरु जी आने वाले थे वो मॉर्निंग का टाइम था 10 o'clock का। तो अंकल तो ऑफिस जा चुके थे, मैं बच्चों के साथ, दोनों बच्चे छोटे थे बहुत मेरे गोद में ही थे एक तो, और फिर मैंने बोला आंटी अच्छा मैं देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी अगर मैं आ पाई तो। लेकिन कहते हैं ना जब गुरु जी का बुलावा होता है आपको तो आप कैसे ना कैसे पहुंच जाते हैं उनके पास। तो वैसे ही ठीक मेरे साथ भी हुआ। मैं सुबह का टाइम था, मेरे पास 9:30 आंटी का कॉल आता है कि आंटी हम सत्संग पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में एक सीट खाली है, अगर आप चलना चाहते हो तो आप आ जाओ 10 मिनट में। मैंने बोला आंटी मैं देखती हूँ, अभी तो हम नहाए भी नहीं है। तो आंटी बोले कोई बात नहीं, बच्चों को ले लो, आप नहा के तैयार होके आ जाओ नीचे, हम 10 मिनट वेट कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है, हम चले गए आंटी के साथ तैयार होके। वहां जाके बैठे, गुरु महाराज जो थे वो सिंहासन पे बैठे हुए थे और गुरु जी का जो औरा था वो ऐसा था मैं आपको बता ही नहीं सकती, मतलब मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है कि मैं गुरु जी की महिमा का क्या बखान, क्या वर्णन करूं। क्योंकि गुरु जी चोले में बैठे हुए थे, इतना सुंदर चोला, और गुरु जी का औरा ही अलग था। तो मुझे लगा अरे ये कैसे गुरु जी है, मतलब बाकी जो गुरु होते हैं वो तो भगवा वस्त्र पहनते हैं या वैसे वो पहनते हैं, कुछ प्रवचन करते हैं, कोई बात नहीं। हम जाके बैठ गए, शब्द चल रहे थे वो सुना हमने, फिर हमें कॉफी प्रसाद मिला और उसके बाद गुरु जी को मत्था टेकने के लिए मतलब बुलाया हमें, एक बार दो बार तीन बार इस तरह से जाके हमने मत्था टेका, मैंने बच्चों को ले जाके, और गुरु जी मुस्कुरा रहे थे और सिर्फ देख रहे थे। तो मैंने उन आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी गुरु जी कुछ प्रवचन वगैरह नहीं करते, कुछ बोलते नहीं? तो बोले नहीं बेटा ये प्रवचन नहीं करते, ये गुरु जी जो है आंखों से ही आपका कल्याण कर देते, आपको देख के ही आपका कल्याण कर देते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि गुरु जी जब भी हम मत्था टेकने जा रहे थे गुरु जी बड़े ध्यान से देख रहे थे हम लोग को और मेरे बच्चों को भी। तो मेरे को मैंने इसीलिए आके पूछा, मन में क्वेरी थी कि मतलब कैसे गुरु जी हैं प्रवचन भी नहीं करते हैं और कुछ बोल भी नहीं रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं इस तरह से नहीं है, गुरु जी जो है वो सिर्फ आपको देख के ही आपका कल्याण कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोगों को लंगर प्रसाद मिला, हमने लंगर प्रसाद खाया, बड़ा स्वाद था लंगर प्रसाद। उन्होंने बोला कि ये ना लंगर प्रसाद जो है ये आपकी मेडिसिन है, इसको पूरा फिनिश करना, बिल्कुल भी मत छोड़ना, एक कण भी मत छोड़ना इसका, ये अमृत प्रसाद है। तो मैंने कहा ठीक है, हमने प्रसाद ले लिया। शाम को जब हम घर आए वापस, मैं घर आई तो मैंने आके अपने अंकल को बताया, मैंने बोला आज हम ऐसे ऐसे ना उन गुरु जी के पास गए थे, वो लेजर वैली में वो आए थे गुरु जी और हम वो एम्पायर स्टेट बैठते हैं। मैंने आंटी से पूछा था कि आंटी गुरु जी कहाँ होते हैं, कहाँ बैठते हैं? तो उन्होंने बोला बेटा ये एम्पायर स्टेट में बैठते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, उन्होंने टाइमिंग भी बताया इवनिंग का। तो मैंने कहा ठीक है। अब आके मैंने अपने अंकल को बताया सारा कुछ कि आज हम ऐसे ऐसे गए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पे और
वहां हमें बाय स्टेज हम एक बार जरूर चले गए। मेरे अंकल बोले ठीक है, हम लोग जिस दिन मेरी छुट्टी होती है हम उस दिन जाके गुरु जी को मत्था टेक के आएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ, हम इसके बाद की बात बताती हूँ। जब हम गुरु जी से जुड़े, मतलब एम्बेसडर जाना स्टार्ट ही हुए थे, उसके बाद एक बार की बात है कि हमारा दिवाली के आसपास का टाइम था, और नहीं सॉरी, उससे पहले की बात है, दिवाली के आसपास का टाइम था, और हम अपने नेटिव प्लेस, मेरे हस्बैंड के नेटिव प्लेस, हम लोग वहां गए हुए थे दिवाली पर, और नेक्स्ट डे था भैया दूज, तो हम वहां से लौट रहे थे। लौटते समय हम लोगों को ये अलीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले है एक जगह है, छोटा सा गांव है, वहां पे हम लोग गाड़ी में थे, हम लोग टैक्सी करके गए थे, कार अपनी कार नहीं ले गए थे, टैक्सी करके गए थे, और ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, और सामने से, संगत जी, सामने से एक बस आ रही थी, साइड में ट्रक था, दूसरी साइड में भी ट्रक था, और वो कैसे हमारी गाड़ी का जो था वो हेड ऑन कॉलिजन हुआ, और वो गाड़ी हमारी 3 बार टकरा के एकदम पलट के ऐसे नीचे जाके गिरी, और जाके सीधी ऐसे खड़ी हो गई वहां, जो वो थी बहुत गहराई में, जो खाई जैसा था वहां पे खड़ी हो गई, एंड जो आसपास के लोग थे, जो गांव वाले थे, वो सारे आके इकट्ठे हो गए, उन्होंने विंडो स्क्रीन कार का तोड़ा, और तोड़ के हम लोगों को एक एक को बाहर निकाला। और शाम का समय हो गया था, 6:30-7 बज रहा था उस समय, अंधेरा भी हो गया था, और जब बाहर निकाला तो वो गांव वाले जो थे वो बोले कि, मतलब उनको लगा था कि कोई बचा ही नहीं होगा, जिस तरह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, जिस तरह से इस गाड़ी की कंडीशन है एकदम। लेकिन जब आके देखा तो हम, मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे अंकल और ड्राइवर, सारे लोग सेफ थे। तो बाहर उन लोगों ने हमें निकाला, निकाल के फिर वो जो लोग थे वहां के लोकल, वो हमें कहते हैं कि आप लोग बहुत लकी हो जो आप लोग सारे के सारे सेफ हो, मतलब मामूली थोड़ी बहुत खरोंच के अलावा किसी को कुछ नहीं हुआ है, तो आप लोग बहुत लकी हो, वरना ये तो बदनाम जगह है, यहाँ पे रोज के दो चार जाते ही हैं, बचा आज तक कोई भी नहीं है। और मैं आपको बताती हूँ कारण कि हम उस समय कैसे, मतलब क्यों बचे हुए थे सारे, क्योंकि गुरु जी का एक स्वरूप मेरे पर्स में था उस समय, मेरे पास था, और वो स्वरूप मुझे उन आंटी ने एक बार दिया था, वो भी मैं आपको सुनाती हूँ सत्संग कि कैसे हुआ था। क्योंकि मेरे बेटे की जो तबीयत थी वो एक बार बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, वो उसको बहुत ज्यादा, जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे बहुत बीमार रहता था, महीने में 20 दिन मुझे उसको एंटीबायोटिक देना पड़ता था, तो तब हम गुरुजी से नहीं वो हुए थे कनेक्ट, तो वो आंटी को पता था, मतलब मिलते थे तो पूछते थे, उनको मालूम था, तो आंटी ने एक बार की बात है, वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, और आंटी का कॉल आया ऐसे किसी उसके लिए, तो मैंने बोले क्यों परेशान हो रखी हो, मैंने कहा आंटी ये ना बहुत, मतलब इसको फीवर हो रहा है, बहुत क्रैंकी हो रहा है, सो भी नहीं रहा, रात भर सोता भी नहीं है, बड़ा परेशान हो गए हम तो। और लिटरली हालत ये होती थी, कभी आधी रात को आधा टाइम अंकल उसको शोल्डर पे लेके घूमते थे, आधा टाइम मैं घूमती थी, तो इस तरह से हम बहुत परेशान होते थे। तो वो आंटी बोले अच्छा एक काम करो, ये ना हमारे गुरु जी का स्वरूप है, ये इसके पिलो के पास रख दो, ये बच्चा आराम से सो जाएगा। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ऐसे भी कहीं होता है कि, मतलब आप किसी का स्वरूप लेके, फोटो लेके बच्चे के पिलो के पास रख दो और वो सो जाएगा। तो लेकिन आंटी ने इतने विश्वास के साथ मुझे बोला था, तो मेरे को लगा, मैंने कहा ठीक है, उन वो दे रहे हैं तो एक बार उनकी बात मानने में क्या जाता है। तो मैंने आंटी से वो स्वरूप ले लिया गुरु जी का, और लेके उसके बच्चे के पिलो के पास रख दिया, सिरहाने रख दिया, एंड उस रात शंकर जी वो बच्चा बहुत आराम से सोया, जिसको लेके मैं और अंकल शोल्डर पे पूरी रात हम घूमते थे, और वो भी परेशान होता था, हमारी भी नींद खराब होती थी, और उस पहली रात वो ऐसी गई जिसमें ना अंकल उठे, ना मैं उठी, ना वो बच्चा उठा, हम तीनों आराम से सोते रहे। और जब सुबह हुई तो सुबह उठ के मैंने रियलाइज किया कि अरे आज तो हम पूरी रात इतनी आराम से सोए हैं, आज हमें एक बार भी नहीं उठना पड़ा। तो इस तरह से गुरु जी का वो स्वरूप मेरे घर में आया था, और उसके बाद उस स्वरूप को मैं डेली, मैंने उसके पास रखना, और जब कहीं जाती या कुछ होता तो मैं उसको अपने साथ ही लेके जाती थी। तो इस तरह से वो स्वरूप उस समय मेरे पर्स में था, जब हमारा इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ, और वहां के लोगों ने जब बताया कि यहाँ कोई बचता नहीं है, आप लोग बहुत लकी हो जो सारे के सारे सेफ हो, और किसी को कुछ, इतना कुछ मेजर इंजरी आई नहीं है, हुआ नहीं है। तो हम लोग उसके बाद वहां से, हमारी सिस्टर इन लॉ रहते हैं अलीगढ़ में, उनके पास चले गए। फिर वहां से जब मैं लौट के आई तो
मुझे उस एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि वो इतना सीरियस इतना भयानक एक्सीडेंट था कि जैसे अपने सामने से मौत को देखा हो मतलब। तो मैं इतना डर गई थी, मेरे मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि मैं अंकल को ऑफिस भी नहीं, मतलब मैं डरती थी, मैं बोलती थी नहीं आप छुट्टी ले लो आप मर जाओ। तो इस तरह से मेरे मन में बहुत डर बैठ गया था उस चीज का। फिर वो आंटी आए, उन्होंने मुझे गुरु जी का जो स्वरूप मेरे पास था बोले बेटा कोई बात नहीं, ऐसे तू कितने दिन तक घर में रोक के रखेगी, अंकल को जाने दे ऑफिस में। वो एक वो था जो कार्ड दिया गुरु जी ने, मतलब वो टाइम निकल गया कोई बात नहीं। वो फोटो जो स्वरूप मेरे पास था बोले वो तुम अपनी गाड़ी में गुरु जी का रख लो और उनको जाने दो। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर वो स्वरूप गुरु जी का मैंने अपनी गाड़ी में अंकल के साथ किया, अंकल जाते थे तो साथ में वो जाता था, साथ में आता था गुरु जी का स्वरूप। इस तरह से हमारी ये मतलब स्टार्ट हुआ। फिर हम गुरु जी के यहाँ सैटरडे को ही, क्योंकि अंकल हाफ डे में सैटरडे को आ जाते थे, तो हम लोग सैटरडे को ही गुरु जी के एम्पायर स्टेट जाया करते थे। जब मैं वेरी फर्स्ट टाइम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जब हम लोग गए, तो एम्पायर स्टेट का एक तो और अलग, वहाँ इतनी गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती थी रोजेस की, तब हमें ये पता नहीं था, हमें लगता था पता नहीं कौन सा स्प्रे किया है, कौन सी अगरबत्ती जलाई, इतनी खुशबू आती है यहाँ पे। और गुरु जी का जो वहाँ शब्द चलते थे वो शब्द इतने मतलब समझ में कुछ नहीं आता था, बट वो शब्द इतने अच्छे लगते थे सुन के, इतना पीसफुल एक तो वो होता था एनवायरनमेंट पूरा का पूरा, और गुरु जी बैठे होते थे गद्दी पे तो इतना अच्छा लगता था, गुरु जी का ऑरा ही अलग था। और वो शब्द सुन के ऐसा लगता था जैसे अंदर तक आपके ना मतलब आपको इतनी शांति देते थे। समझ में मुझे कुछ नहीं आता था क्योंकि मैं नॉन पंजाबी वो हूँ, लेकिन वहाँ गुरु जी के वहाँ सुना था कि गुरु जी कहते थे कि समझने को किसने बोला है, तुझे सुनने को बोला है शब्द तो सुनो। तो हम वो शब्द सुनते थे, जाके चाय प्रसाद मिलता था गुरु जी के वहाँ, वो चाय प्रसाद पी के और फिर शब्द वाणी चलती थी, और वो शब्द सारे वही होते थे जो गुरु जी ब्लेस करके हम लोगों के मतलब संगत के लिए चलवाते थे, जिससे संगत को भी ब्लेसिंग मिले उन शब्द की। और उसके बाद फिर 9 बजे ओम नमः शिवाय के साथ लंगर प्रसाद होता था, फिर लंगर प्रसाद करते थे, कभी कभी 2 बार भी चाय प्रसाद मिलता था गुरु जी की कृपा से, कभी लंगर भी एक्स्ट्रा मिलता था, मतलब जो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने हमें जिस रूप में देनी होती, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि ये लंगर प्रसाद जो है, ये चाय प्रसाद जो है, ये सिर्फ चाय और लंगर नहीं है, तुम्हारी मेडिसिन है, तुम्हारी दवाई है। और ये वहां हमने देखा भी था कितने सारे लोग, शरद पवार कितने लोग आते थे जिनको गुरु जी ने लंगर खिला के ब्लेस किया था, लंगर खिला के ठीक किया था। और गुरु जी कहते थे जब हम गुरु जी के यहाँ जुड़े थे नए नए, तो गुरु जी सत्संग सुनवाते थे, गुरु जी बहुत सारी बातें गुरु जी के बारे में जानने को मिलती थी। तब वहां पे एक चीज और थी पर्टिकुलर, एक तो डिसिप्लिन इतना मतलब अच्छा लगता था वहां की, सब लोग बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। दूसरी चीज कोई किसी को मतलब हम साथ में बैठते थे बट हम जानते नहीं थे कि हमारे साथ में कौन बैठा हुआ है, बाय नेम हम किसी को नहीं जानते थे, बाय फेस देखते थे कि हाँ ये संगत है ये आती है, बट इस तरह से सोशलाइजेशन नहीं होता था। और गुरुजी भी मना करते थे, और गुरुजी कहते थे चर्चा वाले वर्ड चंगे नहीं होंगे, चोरी चुगली चापलूसी चतुराई ये सब चीजें अच्छी नहीं होती, गुरुजी इस तरह से बोलते थे किसी संगत को। तो जो हमने वहां सुना, एक बार की बात है कि एक बार एक आंटी जो है, गुरुजी कहते थे कि बड़े फंक्शन पे बड़े मंदिर आया करो, तो वो आंटी जो थे वो नहीं आए होंगे। नेक्स्ट डे जब वो फंक्शन के बाद एम्पायर स्टेट आए, तो गुरुजी ने इतनी सारी संगत में मतलब गुरुजी ने उनको बोला कहते कि तू कल नहीं आई थी, तो वो बोली नहीं गुरुजी मेरे को कुछ काम हो गया था मैं नहीं आ पाई थी। तो गुरुजी ने बोला कि बड़े फंक्शन पे बड़े मंदिर जरूर आया करो, बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है। तो मतलब इतनी संगत में गुरुजी को पता चल गया कि वो आंटी नहीं आई थी मंदिर, गुरुजी को सब कुछ पता होता था, तो सब कुछ जानी जान होते थे गुरुजी। फिर गुरुजी जो थे वो आपको मतलब गुरुजी कहते थे सत्संग से गुप्त दान, और आप जो भी करते हो मतलब वो गुप्त करके करो, ऐसे वो मतलब दिखावा नहीं करना, बताना नहीं लोगों को कि क्या है क्या नहीं है। फिर एक सत्संग मैं आपको और सुनाती हूँ गुरु जी का, कि ये जो मेरा छोटा वाला बेटा था, ये मैंने जैसे आपको बताया बीमार रहता था, एक बार की बात है कि हम लोग इसको ना रात को बहुत फीवर आ गया एक दिन, और रात के 1:30-2 बजा होगा, और हमने इसको मेडिसिन, अंकल ने बहुत मतलब मेडिसिन दिया, तो लास्ट डोज थी हमारे पास मेडिसिन की, और मेडिसिन थी नहीं हमारे पास, खत्म हो गई थी। तो
तो अंकल ने जैसे इसको वो डोज दिया मेडिसिन का कि एक पीके सो जाएगा, फिर हम सुबह इसके लिए इसको और मेडिसिन ले आएंगे इसके लिए। तो जैसे ही वो हमने मेडिसिन इसको पिलाया, इसने वो साथ के साथ उसको निकाल दिया, मतलब वॉमिट कर दिया। तो अब हमें बड़ी चिंता हुई कि भाई अब इतनी रात को 2 बजे कहाँ से मेडिसिन लाई जाए, इतना कहाँ से आए। तो अंकल ने उसको सिर पे उसके हाथ रखा और गुरु जी का मंत्र जाप करते करते उसको सुला दिया। एंड बिलीव मी संगत जी, वो बच्चा आराम से सो गया और उसका फीवर भी मतलब उसको नहीं आया। तो ये गुरु जी की महिमा है कि गुरु जी को आप जब भी याद करो। हम जब सैटरडे को जाते थे गुरु जी के एम्पायर स्टेट, तो वो छोटा वाला बेटा जो था वो गोद में था, वो मेरे साथ जाता था। तो हम वहां पे जब लंगर करने बैठते थे, तो वो जो इतना मिर्ची वाला स्पाइसी वाला लंगर होता था, जो बड़े बड़े लोग खाके जिसका कान से धुआं निकलता था, हम लोगों के इतना स्पाइसी लंगर है, वो छोटा सा बच्चा चम्मच से लेके बड़े मजे से वो लंगर खा रहा होता था और ऐसे खाता था जैसे कितना दिनों का भूखा है। और घर में बिना मिर्च की दाल सब्जी वो नहीं खाता था, लेकिन वहां गुरु जी का लंगर प्रसाद इतना अच्छे से इतना स्वाद से खाता था। तो हमें देख के हम मतलब हमें वो होता था आश्चर्य कि कैसे खा रहा है, मतलब इतना मिर्ची वाला लंगर। और जो 4 लोग एक थाली में बैठते थे, तो जो बाकी जो संगत होती थी वो बोलते थे आंटी से खाने दो, ये खा रहा है इसे खाने दो। तो मतलब मैं खुद भी शॉक्ड होती थी कि ये घर में तो बिना मिर्ची का भी नहीं खा पाता है और यहाँ पे ये इतना मिर्ची वाला लंगर खाता है। तो उसका रीजन था कि वो जो लंगर प्रसाद था वो उसकी मेडिसिन होती थी, गुरु जी उसको 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 ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका, वो लंगर प्रसाद खिला के। और वो आराम से खा के आता था। और हम लोग भी जब जाते थे एक पूरा मतलब वंस इन अ वीक ही जा पाते थे, तो जब भी जाते थे लेकिन वो जाके वहां इतना अच्छा, इतना सुकून, इतनी शांति मिलती थी। और पूरे हफ्ते की ऐसा लगता था जैसे हमें पूरे हफ्ते की गुरु जी ने एनर्जी दे दी, डोज दे दी, मतलब हम लोग चार्ज हो गए और कोई भी प्रॉब्लम आनी हमें बस एक ये विश्वास होता था कि गुरु जी हैं हमारे साथ, वो प्रॉब्लम हम जाएंगे गुरु जी के पास और वो ठीक हो जाएगी, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं संगत जी, मतलब गुरु जी कि आप गुरु जी से जुड़ गए हो, गुरु जी आपको मिल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपकी लाइफ में, आपको मतलब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगी, प्रॉब्लम्स आपको फेस भी करनी पड़ेंगी, बट गुरु जी आपके साथ खड़े होंगे, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे। और गुरु जी कहते भी थे कि तुम्हारी 90% जो तुम्हारे कष्ट होते हैं वो मैं काट देता हूँ, तुम्हें तो सिर्फ 10% ही भुगतने को देता हूँ। और वो भी ऐसे भुगतवाते हैं गुरु जी कि आपको फील ही नहीं होगा कि आपका वो मतलब इतना वर्स पीरियड, इतना वर्स जो आपका टाइम है वो आप काट रहे हो। गुरु जी हंसते मतलब हंसते गाते हुए आपका वो टाइम निकलवा देंगे, आपको उस समय पे भी आपको इतना संभाल के रखेंगे। इसके बाद मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ आपको। जैसे हमें मतलब हम गुरु जी की प्रेग्रेंस को मतलब गुरु जी को फील कर सकते हैं। गुरु जी हमारे ऐसे हैं कि वो एक टाइम पे कितनी ही जगह पे होते हैं, मतलब जैसे कृष्ण भगवान थे वो गोपियों के हर गोपी के साथ अलग अलग होते थे, ऐसे ही गुरु जी हमारे मतलब जब उनको जहां भी आप याद करो, चाहे मंदिर में, चाहे हॉस्पिटल पे हो आप, चाहे गाड़ी में हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, आप गुरु जी का जब नाम लोगे, जब उन्हें पुकारोगे, जब उनको याद करोगे, गुरु जी आपको अपनी प्रेजेंस जरूर फील करवाते हैं आके। इसी के ऊपर मैं एक अपना सत्संग सुनाती हूँ। हमारी सोसाइटी में संगत की एक आंटी रहती थी, तो एक बार हम लोग मतलब जब भी मिलते थे तो गुरु जी का तो सत्संग ही होता था, बातें ही क्या होती थी, वो गुरु जी के सत्संग ही होती थी। तो हम लोग एक बार जा रहे थे स्कूल, बच्चों के स्कूल से बुक्स लेके आ रहे थे, और आते समय उसने बोला हम, क्योंकि मंडे को नॉर्मली गुरु जी ने जो बड़ा मंदिर था उस सेवा और सत्संग के लिए खोला हुआ था, उस दिन सत्संग होता था और सेवा होती थी मंदिर में, तो हम लोग रेगुलर जाते थे, कभी मिस नहीं करते थे। बट एक मंडे हम लोग नहीं जा पाए थे किसी रीजन से। तो नेक्स्ट डे जब हम आ रहे थे लौट के, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे आपस में, तो मुझे बोली हाँ कल तो नहीं, मैंने कहा कल तो हम लोग नहीं जा पाए मंदिर, तो बोले हाँ गुरु जी के यहाँ नहीं जाओ तो ऐसा लगता है कि हम मतलब कितना वो हमने क्या मिस कर दिया। तो बोलते चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं घर पे और घर पे जाके और गुरु जी को का बैठ के सत्संग करते हैं, गुरु जी को समोसे का भोग लगाएंगे, समोसे प्रसाद का, क्योंकि मंडे को मोस्टली समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद यही वहाँ मंदिर में प्रसाद मिलता था। तो मैंने बोला ठीक है हम चलते हैं। तो वही स्कूल में हमने जहाँ से बुक दिया था, हमने कहा चलो हम यहीं से कैंटीन से समोसा प्रसाद लेते हैं और गुरु जी को भोग लगा के बैठ के सत्संग करेंगे गुरु जी का। तो जैसे ही हम दोनों ने ये बात बोली और हम कैंटीन की तरफ के लिए टर्न हुए, बिलीव मी संगत जी, गुरु जी की
इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, और वो फ्रेग्रेंस हमारे साथ चलती रही, मतलब जैसे गुरु जी साथ चल रहे हो। और हम जाके लेके आए घर, आके हमने चाय प्रसाद बनाया, गुरु जी को भोग लगाया, तो वो पूरा टाइम गुरु जी की फ्रेग्रेंस हमारे अंग संग मतलब वो चलती रही, और गुरु जी ने अपनी मतलब प्रेजेंस फील करवाई कि जहां भी आप गुरु जी को याद करोगे वहां गुरु जी आपको तुरंत अपनी मतलब फ्रेग्रेंस फील करवा देते हैं। इसी तरह से एम्पायर स्टेट जब हम जाने लगे थे तो मतलब एक ये रहता था कि बस जाना है, एक नशा रहता था गुरु जी का कि गुरु जी हमें तो सैटरडे आपके आपने ब्लेस किया है हमारे लिए, तो हमें सैटरडे आपके पास आना ही है। तो सैटरडे जब हम जाते थे, एक बार हुआ ये कि उसको बेटे को ही बहुत उसका मतलब फीवर था, उसको तबीयत ठीक नहीं थी, हम आने लगे गुरु जी वहां पे। तो हम लोगों ने ऐसे एडजस्टमेंट की हुई थी, हमारी सोसाइटी में काफी फैमिली रहती थी संगत की, 5-6 फैमिली थी, तो हम लोगों का ये हमने ये डिसाइड किया था कि थर्सडे को वो जाएंगे तो उनके बच्चों को, क्योंकि मंदिर वहाँ एम्पायर स्टेट में अनाउंसमेंट की थी गुरु जी ने करवाया था कि बच्चे अब नहीं आया करेंगे क्योंकि सब लोग मेडिटेशन वगैरह करते तो डिस्टर्ब होते, तो बच्चे अब नहीं, बच्चे अलाउड नहीं है। तो सिर्फ आंटी अंकल दोनों में से एक आए या दोनों भी आए, तो मतलब जैसे भी अपना है अरेंजमेंट करके। तो हम लोगों ने 5-6 फैमिलीज थी, हम लोगों ने आपस में इस किया होता एडजस्टमेंट कि चलो थर्सडे को वो जाते हैं तो उनके बच्चे हम रख लेते थे, फिर फ्राइडे को कोई दूसरे जाते, इस तरह से सबने आपस में किया होता, अंडरस्टैंडिंग थी। तो सैटरडे को जब मैं जा रही थी मैं और अंकल, तो बच्चों को हम छोड़ जाते थे और हम आ जाते थे 10:30-11 o'clock तक गुरु जी के पास से। तो उस दिन वो रह नहीं रहा था, तो आंटी मुझे आए नीचे देने कि आंटी आज ये ना बहुत रो रहा है, पता नहीं क्यों रह नहीं रहा है, तो आप इसे ले जाओ अपने साथ। तो हम क्योंकि गाड़ी में बैठ चुके थे, हम निकल ही रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर अंकल बोले चलो ले चलते हैं, अगर वो लोग मना करेंगे तो हम वहाँ सामने जहाँ जोड़ा घर है वहाँ इसको लेके बैठ जाएगा एक जना। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम चले गए एम्पायर स्टेट पहुंचे, जाके पहले अंकल ने मत्था टेका गुरु जी के पास, फिर अंकल ने उसको लिया बेटे को, फिर मैंने जाके मत्था टेका, फिर हम जाके मत्था टेक के उसको लेके ऊपर जाके मैं कोने में बैठ गई बिल्कुल। तो सिंगला अंकल आए चाय प्रसाद लेके, सिंगला अंकल जैसे ही चाय प्रसाद लेके आए तो मुझे लगा हाँ अंकल डांटेंगे कि भाई बच्चों का अलाउ नहीं है, तुम इसको क्यों लेके आई हो, हालांकि वो गोद में सोता रहा था बिल्कुल। वहां जाके बच्चे एक खासियत थी कि वो बिल्कुल रोते नहीं थे, वहां पे बिल्कुल शांति से वो शब्द जो चलते थे वो सुनते रहते थे बच्चे, चाहे कैसे भी कुछ भी हो। मतलब मैंने वहां ये एक्सपीरियंस किया है कि वहां कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे जाके रोए, वो शब्द जो चलते थे गुरु जी ने वो ऐसा एक वो किया हुआ था कि सब लोग बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, सब बहुत शांति से सुनते थे। तो वो जाके वहां सो गया था मेरी गोद में। तो सिंगला अंकल चाय प्रसाद लेके आए ट्रे, और मैंने आंख बंद कर ली डर के मारे, मुझे लगा अंकल डांट लगाएंगे कि बच्चों को अलाउ नहीं है, तुम बच्चे को लेके क्यों आए हो। तो मैंने डर के मारे आंख बंद कर ली, मैंने कहा चलो अंकल मेरी तरफ ही आ रहे। अंकल जैसे ही आए उन्होंने बोला आंटी चाय प्रसाद, मैंने चाय प्रसाद दे लिया, अंकल चाय प्रसाद देके वापस जाने लगे मुड़के। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा चलो बच गई, डांट नहीं पड़ी। इतनी देर में देखा सिंगला अंकल वापस मेरी तरफ ही आ रहे हैं, और मैंने कहा गुरुजी मर गई, अब तो पक्का डांट पड़ने वाली है मुझे। तो जैसे ही सिंगला अंकल आए तो मुझे आके बोलते हैं आंटी इसको गोद में लेके क्यों बैठी है, इसको यहाँ साइड पे सैटी पे लिठा दे और आराम से चाय प्रसाद पी ले। मैंने कहा ओके अंकल जी, तो मतलब मैंने मन में गुरुजी को थैंक यू बोला कि गुरुजी थैंक यू, डांट नहीं पड़ी मुझे। और इसके बाद जैसे ही 9 बजे लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ, हम उसको लेके नीचे गए, अगेन हम लोग वही छुप के मतलब कोने में, हमें लगा गुरुजी को पता नहीं चलेगा, हम उसको लेके कोने में बैठ गए लंगर करने के लिए बिल्कुल छुप के छुपा के कि भाई गुरु जी को नजर नहीं आएंगे। हमने लंगर प्रसाद किया वापस से वैसे, और उस बच्चे ने भी लंगर प्रसाद खाया। और खाने के बाद फिर अगेन हमने वही किया, पहले अंकल ने जाके गुरु जी को मत्था टेका, फिर मैंने जाके गुरु जी को मत्था टेका, अंकल ने बेटे को लिया, और फिर हम लगे निकलने। और जब हम निकल के अपनी गाड़ी पे आए तो गाड़ी में जैसे ही बैठे कार में तो बड़ी फ्रेग्रेंस गुरुजी की, मतलब हमें ऐसे लगे जैसे साक्षात गुरुजी आके बैठ गए, मतलब 1000 of bunch roses के किसी ने गाड़ी में रख दियो, इतनी फ्रेग्रेंस मेरी गाड़ी में। और लिटरली अंकल और मैं दोनों ऐसे मतलब उसको फ्रेग्रेंस को ले रहे थे कि हमें मतलब एक दूसरे से बात करने की भी वो नहीं थी, हमें सिर्फ मतलब ये महसूस हो रहा था कि इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है। और वो बच्चा जो मेरी गोद में था, मतलब हमने नोटिस ही नहीं किया। जब हम घर पहुंचे तो मैंने रियलाइज किया, अंकल ने एकदम से गाड़ी में से उतर के मुझे बोला कि तुम्हें भी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की गाड़ी में। मैंने बोला हाँ बहुत आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी खुद आके बैठे हो। बोले हाँ मुझे भी ऐसे ही आ रही थी।
फिर हम आए ऊपर घर आके, फिर वो फ्रेग्रेंस आ रही, फिर हमें समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपना दुपट्टा वो किया, मैंने कहा शायद मेरे दुपट्टे में से हमने माथा टेका है, गुरु जी को तो आती थी तो मुझे लगा उसमें से आ रही है, बट नहीं, उसमें से भी नहीं आ रही थी उतनी। तो फाइनली जाके हमने वो किया तो हमें पता लगा कि वो उस बच्चे के फोरहेड से आ रही थी, जिसको हमने गुरु जी को मत्था भी नहीं टिकाया था डर के मारे कि गुरु जी डांटे नहीं कि मतलब इसको लेके आयो बच्चे को। लेकिन गुरु जी ने हमें ये दिखाया था कि तुम मुझसे ये छुपा रहे हो, बट मुझे तो सब कुछ पता है कि वो तुम किस कंडीशन में उसको लेके आए हो बच्चे को। और मैं रस्ते भर गुरु जी को बस यही अरदास करते हुए जा रही थी कि गुरु जी आप तो जान ही जानो, आपको पता है मैं कैसे उसको लेके आ रही हूँ, किस कंडीशन में ला रही हूँ। तो गुरु जी ने ये दिखाया कि तुम मुझसे छुपा रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो कि भाई कैसे ये इसको लेके आ रहे हो और क्यों लेके आ रहे हो, मुझे तो सब कुछ पता है। तो गुरु जी ने उस दिन उसको ब्लेस किया। और जब हम घर पहुंचे, हमने आके उन आंटी को ऊपर कॉल किया, हमने कहा आंटी जल्दी से नीचे आओ। तो वो आंटी बेचारे डर गए, वो सोचे इतनी रात को ये मुझे कॉल कर रहे, पता नहीं क्या हो गया, मतलब क्या बात हो गई। तो वो जैसे ही आए नीचे, हमने उनको बोला, हमने कहा आंटी देखो आपको प्रेगनेंस आ रही है। तो वो आंटी ने भी वो सेम चीज उन्होंने भी फील की, उन्होंने कहा हाँ इसके फोरहेड से तो बड़ी प्रेगनेंस आ रही है बच्चे के। तो हमने उनको सारी बात बताई, हमने कहा हमने तो उसको मत्था भी नहीं टिकाया गुरु जी के पास। तो आंटी बोले हाँ गुरु जी तो सब कुछ जान ही जाने, तुम्हें क्या लगा था तुम छुपा लोगे, उनको पता नहीं, उनको तो सब कुछ पता होता है। और गुरु जी कहते भी थे कि जब तुम मंदिर से मेरे घर के लिए निकलते हो, और गुरु जी कहते थे कि मंदिर से सीधे घर घर जाया करो और घर से सीधे मंदिर आया करो, बीच में कहीं कोई रुकना नहीं, कहीं और जाना नहीं, क्योंकि वो जहां आप रुकते हो, जहां आप कुछ बीच में करने के लिए काम या कहीं और चले जाते हो, तो मेरी सारी ब्लेसिंग उसको चली जाती है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि मंदिर से सीधे घर आओ और घर से सीधे मंदिर जाओ। तो गुरुजी ये भी बोलते थे कि जब तुम घर से मंदिर के लिए निकलते हो और वापस जब मंदिर से घर जाते हो, तो तब तक की तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी होती है कि तुम बिल्कुल सेफली सही सलामत तुम घर पहुंचो। गुरुजी को एक एक पल एक एक मिनट का सबका सब कुछ पता होता है। अच्छा, इसी तरह एक और मैं सत्संग आपको सुनाती हूँ। गुरुजी कहते थे कि मैं पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, हेल्थ ब्लेस करता हूँ, उसके बाद फैमिली और रिलेशंस ब्लेस करता हूँ, उसके बाद आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता हूँ। मतलब गुरुजी कहते थे प्रायोरिटी मैं फिक्स करता हूँ कि कब तुम्हें क्या चीज देनी है, कब क्या चीज देने का सही टाइम है तुम्हारा। इसके बाद मैं एक सत्संग आपको और सुनाती हूँ। हम एक बार अपने छोटे वाले बेटे को ही लेके, उसका क्योंकि मुंडन नहीं हुआ था, तो हम एम्पायर स्टेट जाते थे, तो वहाँ गुरु जी कहते थे कि मेरे पास आ गए तो अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने सोचा अब हमें इसका मुंडन, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने उसका उसके लिए बोला हुआ था कि उसके जो मुंडन था वो तिरुपति बालाजी में करवाएंगे, तो वो पहले हमारे गुरु जी के पास जुड़ने से पहले की बात है वो। तो अब हमें लगा कि हम तो गुरु जी के पास आते, अब कहीं और तो जाने की मतलब ही नहीं बनता। फिर हमने कहा लेकिन उन्होंने बोला हुआ है कि बालाजी में के इसका मुंडन करवाना है, तो हमने कहा गुरुजी से आज्ञा लिए बगैर तो नहीं जाएंगे, गुरुजी से ही आज्ञा लेके जाएंगे, अगर गुरुजी आज्ञा देंगे तो हम आ जाएंगे इसका मुंडन करवाने। तो हम लोगों ने हमने कहा चलो, हमने सिंगला अंकल को कहा, हमने कहा सिंगला अंकल ऐसी ऐसी बात है तो हम मतलब जाए कि नहीं जाए। तो सिंगला अंकल बोले अच्छा ठीक है मैं पूछता हूँ। फिर सिंगला अंकल ने हमें कहा हाँ तुम चले जाओ इसका मुंडन करवा के आओ। और उस दिन हमें एक लॉकेट भी दिया सिंगला अंकल ने गुरुजी का, कि ये लो अपनी जेब से निकाल के, जिस समय हम जाने वाले थे, और वो हमने लॉकेट लिया, हम बड़े खुश होके और चले गए। एंड बिलीव मी संगत जी, वो जो ट्रिप थी हमारी तिरुपति बालाजी की, वो अंकल ने टिकट वगैरह फ्लाइट की बुक करवाई और सब कुछ, हमारा जाना आना वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसे गुरुजी ने वो ट्रिप हमारी प्लान की जैसे बहुत मतलब VIP ट्रीटमेंट मिला हमें वहां पे। वो तिरुपति बालाजी के मंदिर में आप लोग कभी गए हो तो आपको पता होगा भाई इतना रश होता है, इतनी मतलब वहां पे इतने ज्यादा, और वहां तो आपको ऐसे मतलब लाइनें लगती है वहां जाने के अंदर, ऐसे वो नहीं होती। और मुंडन करवाना तो एक बहुत ही बड़ी बात है, पता नहीं वो सारी चीजें गुरुजी ने इतना हमें प्लान करके, इतना हमें ब्लेस करके दिया ना, कि हमारा इतना स्मूथली वो अच्छे से उसका सारा कुछ हो गया, पूरा ट्रिप इतना अच्छा हुआ। फिर जब हम उसका मुंडन करवाने गए थे, नेक्स्ट डे इसका बर्थडे था बेटे का, तो वहां पे एक मंदिर है साउथ में ही, वहीं पे वो 250 साल पुराना शिवलिंग मतलब वहां पे, और वो भी स्वयंभू शिवलिंग है।
तो वहां पे हमें बताया किसी ने कि ये यहाँ पे यहीं पर है, आप इसके भी दर्शन करो, बहुत अच्छा है। तो हम चले गए क्योंकि उसका बर्थडे था, हमने कहा चलो, हमारी नेक्स्ट डे की टिकट थी फ्लाइट की और एक दिन बीच में था, तो हम लोग वहाँ चले गए। हस्बैंड के कलीग थे वो वहीं पर थे, तो वो हमारे साथ थे, वो हमें वहाँ ले गए घुमाने कि चलो आपको दिखा के लाते हैं। हम वहाँ मंदिर में गए तो वो बहुत बड़ा शिवलिंग, बहुत बड़ा, तो वो देख के ना हमें वहाँ गुरु जी की याद आ गई। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि आज इसका बर्थडे है, और क्योंकि जब से हम गुरु जी के पास एम्बेसडर जाना स्टार्ट हुए थे, जब से हम गुरु जी के चरणों में जुड़े थे, तो हमें ये लगता था कि चाहे वो बर्थडे हो, चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो कोई भी स्पेशल दिन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, हमें हमेशा गुरु जी के पास ही जाना अच्छा लगता था। हम गुरु जी के पास ही जाके सेलिब्रेट करते थे, हम कहीं और नहीं जाते थे। बाहर जाना तो मतलब छूट ही गया था। इवन सोसाइटी में भी हमारे फंक्शंस होते थे फेस्टिवल्स वगैरह के लिए, तो हम पैसे तो यहाँ दे देते थे कलेक्ट उसके लिए, लेकिन हम जाते गुरु जी के पास ही थे, मतलब हमें गुरु जी के पास ही जाके अच्छा लगता था। तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी, मैंने कहा आज अगर हम वहां होते गुड़गांव में, तो हम एम्बेसडर जाते गुरु जी के पास और इसको मत्था टिका के लाते, तो कितना अच्छा लगता ना। और वो छोटा सा बच्चा जो गोद में था हमारे, मतलब सुतलाते हुए थोड़ा बोलता था। तो जैसे ही मैंने ये चीज कंप्लीट की, वो गाड़ी में बैठते बोलता है, मामा आपने देखा नहीं वहां गुलू जी तो बैठे थे अंदर शिव जी में। वो मतलब, तो हम, मैं और अंकल एक दूसरे को देख के शॉक्ड रह गए। हमने कहा ये कैसे, मतलब इसको कैसे दर्शन हो गए। मैं तो मन में सोच रही थी कि गुरु जी हम अगर एम्पायर वहां गुड़गांव होते तो आपके एम्पायर स्टेट आते और इसको ब्लेसिंग दिलवाते, आज इसका बर्थडे है। तो देखो गुरु जी ने कहा मन की बात सुन के उस बच्चे को वहीं उस शिवलिंग में दर्शन दे के और उसको ब्लेसिंग दे दी, मतलब उसको ब्लेस कर दिया। और मुझे सुन के इतना अच्छा लगा। और ये सच है, मतलब संगत जी, कि गुरु जी आपको पल पल, आप मन में जो चीज सोचते भी हो ना, गुरु जी आपके वो जुबान पे आने से पहले ही आपका वो थॉट पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, और वो पूरा कर देते हैं। मन की बात बड़ी जल्दी सुन लेते हैं गुरु जी। तो हमें सुन के मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा देखो गुरु जी ने इस बच्चे को यहीं पे ब्लेस कर दिया। क्योंकि गुरु जी का जो बड़ा मंदिर है वहां पे गुरु जी ने जो शिवलिंग है, गुरु जी कहते थे कि पूरे भारत में जितने भी ये जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, अपने 12 ज्योतिर्लिंग है, उन सारे ज्योतिर्लिंगों के बराबर शक्ति इस अकेले शिवलिंग में गुरु जी ने डाली हुई है, जो गुरु जी के बड़े मंदिर में शिवलिंग है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ कि मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, वो पीछे अभी अपना स्कूल कंप्लीट करके उसको कॉलेज में एडमिशन दिलाया था हमने। तो जब उसका रिजल्ट आया तब भी मैं गुरु जी के मंदिर में ही थे, तो हमारे लिए तो हर छोटी बड़ी चीज जो भी होता है वो गुरु जी से ही शुरू होता है। और गुरु जी ही मतलब घर के, मेरे लिए तो मेरे घर के बड़े तो गुरु जी हैं, वही संभालते हैं, हर चीज वही देखते हैं। तो जब उसका रिजल्ट आया तो हम लोग ये कंफ्यूजन में थे कि भाई अब इसको कहाँ एडमिशन दिलाया जाए। तो एडमिशन तो उसका हो गया था 2-3 जगह, बट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसको कहाँ एग्जैक्टली हमें मतलब कहाँ रखना चाहिए। तो मैं गुरु जी को मंदिर में वही सोच रही थी, मैं गुरु जी को प्रे कर रही थी, मैं कहा गुरु जी आप ही बताइए इसको कहाँ एडमिशन हमने दिलाना है, तो कहाँ भेजे। तो सडनली एक अंकल सामने से आते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हम एडमिशन के लिए सोच रहे हैं अपने बच्चे के या कुछ और सोच रहे हैं। वो पता नहीं आके समाधि के सामने खड़े होके मुझे कहते हैं, आंटी बेटे का एडमिशन करवा रहे हो? मैंने बोला हाँ अंकल सोच रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं किया। कहते फिर एक काम करो मणिपाल में करवा दो। तो मैंने कहा अरे इनको कैसे पता, मतलब ये कैसे एकदम बोल गए, मैंने बाद में रियलाइज की ये बात। तो फिर मैंने कहा लो गुरु जी तो हमें जवाब दे गए कि इसको एडमिशन वहीं करवाना है, ठीक है हमने इसको एडमिशन करवाया। उसके बाद ये है बात 2020 मार्च 2020 से पहले की, ये जनवरी की बात है, जनवरी या फरवरी की, जब उसके एग्जाम्स होने थे। तो वो उसका एक दिन मॉर्निंग में मुझे कॉल आया, कहता मम्मा मेरे ना उसका एग्जाम था, तो हमेशा मॉर्निंग में कॉल करके बात करके जाता था, 9 साढ़े 9 उसका एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, 8:30 पर उसका कॉल आता है मुझे, कहता है। मैंने कहा बेटा आपकी तैयारी हो गई है सारी एग्जाम की? कहता है हाँ माँ मैंने सारा तैयारी कर लिया है और बस अभी निकलता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा ठीक है अच्छे से करना, गुरु जी को प्रणाम करके जाना और अपना अच्छे से करके आना। तो बोला हाँ। इसके बाद कहता है, उसने जैसे ही चेक किया कहता है मम्मा मेरा तो लैपटॉप ही नहीं चल रहा है। मैंने बोला क्यों, आपने बैटरी चार्ज नहीं की होगी? मैंने कहा आप बैटरी चार्ज कर लो। कहता है नहीं बैटरी चार्ज करने तो मैंने लगा दिया था उसको, बहुत देर हो गई, अब तक तो चार्ज हो जाता है। मैंने कहा फिर से ट्राई करो, कभी कुछ हो गया हो पता नहीं। संगत जी वो मेरे से बात करते करते काफी देर तक ट्राई करता रहा, उसकी मतलब
लैपटॉप, लेकिन उसका चला ही नहीं। और उस समय मैं फिर मैं अपने मंदिर में गुरु जी के पास बैठी हुई थी, मैंने उसने बोला, मैंने बोला आप एक बार ट्राई और करो, फिर मुझे कॉल करना, एक बार ठीक से चेक करो, हो सकता है आपने बाय मिस्टेक नहीं ऑन किया हो। कहते हैं नहीं मम्मा मैंने ठीक से चेक कर लिया। मैंने कहा ठीक है आप करो एक बार और कोशिश करो। और मैं अपने मंदिर में गुरु जी के सामने बैठी थी, मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी प्लीज अब आप ही देखो, आपने ही देखना है, क्योंकि वो बच्चा इस समय जहाँ पर है वहां उसकी मदद करने इतना जल्दी कोई नहीं आ सकता, और आपके अलावा मेरा कोई है भी नहीं, अब मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, कोई चाहे तो भी इतनी जल्दी उसकी मदद नहीं कर सकता, और वो आउटस्कर्ट्स एरिया में है उसका कॉलेज, तो उसको मतलब हेल्प मिल नहीं सकती, किसी और बच्चे का ले नहीं सकता, क्योंकि सबका अपना अपना प्रेजेंटेशन सबने देना होता है, तो कोई किसी को दे भी नहीं सकता। तो मैंने गुरु जी को सिर्फ यही अरदास किया, मैंने कहा गुरु जी अब आप देख लो, अब आपने ही देखना है, जो भी करना है आपने ही करना है उस बच्चे का। तो गुरु जी को बस इतनी अरदास की मैंने कि उसका 5-7 मिनट के बाद मेरे बेटे का कॉल आता है, कहता है मामा मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, चल रहा है। मैंने कहा क्या हुआ था? कहता है मामा पता नहीं कैसे हुआ मगर हो गया स्टार्ट। तो मैंने मन में जय गुरु जी, और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि उसका बच्चे का पूरा वो खराब हो जाएगा, उसकी मेहनत पूरी वेस्ट चली जाएगी। तो मैंने गुरु जी को थैंक यू किया बहुत बहुत, और मैंने उसको बोला, मैं कहा बेटा गुरु जी ने किया है, अब गुरु जी का नाम लो और जाके अच्छे से अपना आपको दो। उसने दिया। उसके बाद 2020 मार्च में अब ये कोरोना आ गया और ये पेंडेमिक लॉकडाउन हो गया, बच्चा वो घर आ गया था हमारे पास ही। एंड उसके बाद गुरु जी ये दिखाते हैं कि जो चीज आपके साथ होती है वो कोइंसिडेंस नहीं होता। मतलब गुरु जी ने उस समय उसका वो लैपटॉप तभी खराब होना था, बंद हो जाना था, चलना नहीं था, बट वो महाराज की इतनी कृपा थी, उन्होंने इतनी कृपा की कि उसका लैपटॉप वो फिर से चलने लगा। और उसके बाद जब वो मार्च में हमारे पास घर आया यहाँ पे, उसके बाद वो वापस से एक दिन ऐसे उसका वो लैपटॉप खराब हुआ, बंद हुआ, और फिर वो चला ही नहीं उसको। फिर फाइनली वो तभी जब उसको ठीक करवाया, उसमें कुछ चेंज वेंज करवाया मैकेनिक के पास ले जाके लैपटॉप वहां, और पूरा दिखाया, उसने बोला इसका ये पार्ट चेंज होएगा, तब कहीं जाके वो मतलब। तो गुरु जी ने दिखाया कि उस समय जो किया था वो महाराज ने ही किया था उसका वो, कि जिससे वो एग्जाम दे पाए अपना प्रॉपरली। के बाद एक सत्संग में आपको और सुनाती थी संगत जी, ये है शिवरात्रि की बात। आई थिंक 2000 गुरु जी की समाधि लेने के बाद हम लोग, गुरु जी ने हमें मतलब इतना शुरू से इतना प्यार दिया है, हमेशा अपने पास रखा है, और तब भी समाधि लेने के बाद भी गुरु जी ने अपने पास मंदिर में इतना सेवा में रखा, बहुत सारे मतलब सब कुछ गुरु जी ने दिखाया सिखाया, सब कुछ गुरु जी ने, जो भी हमें हम आज है। और तो एक बार की बात है कि हम किचन में सिंगला आंटी के साथ सेवा में थे, तो आंटी मिर्च जो होती ना हरी मिर्च, वो उसमें उसमें पीस रहे थे, तो हरी मिर्च जो थी वो उसका ढक्कन पता नहीं कैसे खुल गया, और मैं आंटी के सिंगला आंटी के बिल्कुल साइड में खड़ी हुई थी, और वो सारी हरी मिर्च की जो पेस्ट थी वो एकदम वो ढक्कन थोड़ा लूज रह गया, खुल गया, और वो आके पूरा मेरे फेस पे और मेरी आंखों में हरी मिर्च पूरी की पूरी एज इट इज चली गई। और आप सोचिए एक अगर आपके हल्का सा मिर्च का हाथ भी आपके आईज पे लग जाता है तो कितनी जलन होती है जरा सा भी, और वो तो पूरा हरी मिर्च का पेस्ट जो मेरे फेस पे और मेरी आईज में पूरा चला गया। और उसके बाद आंटी ने मुझे जल्दी से फेस वॉश करा के, आंटी बोले कि उधर गेस्ट रूम होता था साइड में छोटा सा, आंटी बोले तुम यहाँ पे अभी लेट जाओ, और आंटी ने मुझे घी लगाया कुछ कुछ मतलब किया कि तुम लेट जाओ थोड़ी देर अभी आराम आएगा, बट वो जलन जो थी वो इतनी ज्यादा हो रही थी उस समय। फिर अंकल आए मेरे, वो हॉल से निकल के आ रहे थे, तो हॉल से निकल के जब आ रहे थे तो जो अंकल एक दूसरे अंकल थे कोई, वो चाय प्रसाद सर के ग्लासेस लेके आ रहे थे हॉल में थे संगत के, तो जैसे ही वो लेके आ रहे थे वैसे वो चाय प्रसाद के ग्लासेस खाली वो ट्रे में से अंकल से पता नहीं कैसे गिरे और वो टूट के वहां गिर गए स्टेयर्स पे, और वो सारे वहां कांच ही कांच हो गया। तो मेरे अंकल उसी समय वो पीछे पीछे मेरे अंकल भी आए हॉल में से निकल के, तो उन्होंने देखा कि ये सारे यहाँ पे इतने सारा ग्लास फूट गया और वो सारा कांची कांच हो गए, संगत के चुप जाएगा, तो अंकल जल्दी से जाके वो लेके आए पूछा, और उससे उन्होंने उसको समेटना स्टार्ट किया जो ग्लासेस टूटे हुए थे। और इधर संगत जी जैसे जैसे अंकल वो ग्लासेस को वो पोछे से वो सब साफ कर रहे थे, वैसे वैसे वो मेरी जो जलन थी मेरे फेस पे मेरी आंखों में वो सारी जलन धीरे 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 ठीक होती जा रही थी। और जैसे ही अंकल वो ग्लासेस साफ करके वहां आए पीछे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, आंटी ने सारी बात बताई सिंगला आंटी ने,
किस इस तरह से आंटी की आंखों में मिर्च का पेस्ट चला गया और फेस पे भी लग गया और आंटी को जलन हो रही थी। तो अंकल ने आके जैसे ही बोला, कह रहे कि अच्छा अब हो रही है तुम्हें जलन? तो मैंने बोला नहीं, अब तो मुझे ठीक लग रहा है, अब तो मुझे लग ही नहीं रहा मतलब कि जलन है मुझे या कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु जी आपके जो कष्ट होते हैं, जो आपके कर्म होते हैं, वो वहां पे पता नहीं क्या कुछ पड़ा होना था, जो गुरु जी ने वही उधर किचन में ही मेरा वो कष्ट काट दिया। और काटता भी कैसे कि इधर अंकल से सेवा ली और इधर मेरी आईज का जो भी मेरे फेस पे वो जलन थी, जो भी वो थी प्रॉब्लम, वो सारी धीरे 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 ठीक हो गई। वरना आप सोचिए एक मिर्च का हाथ लग जाता है तो उससे हमें कितनी देर तक जलन रहती है, और वो पेस्ट लगने के बाद इतनी जल्दी मतलब वो सब ठीक होना, और उसके बाद मैं ऐसे उठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था मेरे को, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। तो गुरु जी ऐसे ही आपके कष्ट कटवा देते हैं। इसके बाद एक सत्संग में आपको और शेयर करती हूँ, वो है शिवरात्रि का। शिवरात्रि ये है 2011 की बात है, आई थिंक 11 या 12 की बात है शिवरात्रि की। हुआ क्या था कि हम लोग 11 या 12 फरवरी की उस बार शिवरात्रि पड़ी थी, और अंकल जो थे वो टूर से एक दिन पहले ही लौटे थे, और शिवरात्रि पे हम लोग मंदिर में ही गुरु जी के पास ही होते थे। तो हम तब चले गए और उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा, हमने एक दिन पहले कहीं पता नहीं बाहर क्या खाया था क्या हुआ था, तो मेरा स्टमक अपसेट था, मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरे को पानी भी मतलब अंदर नहीं जा रहा था। खाना तो दूर की बात है, मेरे को पानी भी नहीं पी पा रही थी मैं, जो भी खाती थी जो भी पीती थी मुझे वॉमिट हो जाता था, इवन मेडिसिन तक नहीं ले पा रही थी। वो मेडिसिन भी मैं रखती मुंह में और वो भी मुझे वॉमिट हो जाती। तो 11 तारीख की शिवरात्रि थी, नेक्स्ट डे हम लोग, अब मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा मैं मंदिर ऐसी हालत में कैसे जाऊं, मैं तो पानी भी नहीं जा मतलब पी सकती हूँ पी पा रही हूँ, मुझे वॉमिट हो रहा है। और उस दिन शिवरात्रि पे बड़ी बारिश हुई, बहुत तेज बारिश थी। तो मैंने, चलो मैं गुरु जी का नाम लेके मैंने कहा गुरु जी मैं तो आ रही हूँ, आप देख लेना मतलब जो भी है। हम लोग पहुंचे, बड़ी बारिश हो रही थी, मैं जैसे ही पहुंची अंदर पीछे किचन की साइड पे, वहां जो गेस्ट रूम होता था छोटा वाला, वहां जाके बैठे, तो सिंगला अंकल ने मुझे चाय प्रसाद और काजू कतली का प्रसाद वो दिया कि अल्ले आंटी फड़ खा ले। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मेरी तो गुरुजी तबीयत इतनी खराब है, मैं तो दवाई तक नहीं खा पा रही हूँ, अब मैं ये चाय प्रसाद और ये बर्फी का प्रसाद खा लूँ? फिर मेरे को लगा नहीं, मंदिर में प्रसाद है तो प्रसाद तो खाना ही है। मैंने वो प्रसाद गुरु जी का नाम लिया और खा लिया, संगत जी बिलीव में, उसके बाद मुझे कोई वॉमिट नहीं हुई। लेकिन हाँ, मुझे बहुत वीकनेस बहुत ऐसा लग रहा था, तो मैं बैठी रही वहां पे गुरु जी का, रात थोड़ा वो मंत्र जाप और आरती हुई। उसके बाद फिर सिंगला अंकल बोले, चल आंटी तेरा परफॉर्मेंस है, जाके हॉल में देखो डांस, अपना डांस करना है। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने लगाया जो वहां पे अंकल ने शब्द मतलब जो गाना था मेरा डांस का, वो मैंने डांस उस पे किया, एक पे किया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर दूसरे पे किया। सोचिए संगत जी, 2 दिन से मैंने ना कुछ खा सक रही थी, ना कुछ पी पा रही थी, इवन पानी भी नहीं जा रहा था, मेडिसिन भी नहीं जा रही थी, और मेरी हालत ऐसी थी कि अगर मैं मतलब मुझे लगता है मैं जो मतलब मैंने फील किया कि मैं अगर उस समय मंदिर में ना होती, गुरु जी वो मेरा ट्रीटमेंट ना करते, तो मैं शायद किसी हॉस्पिटल में होती और मेरे ड्रिप चढ़ रही होती। ये हालत, ये कंडीशन थी मेरी, मेरे को इतनी वीकनेस थी। और गुरुजी ने वो जो एक के बाद एक मुझसे जो 2 डांस करवाए, 2-3 डांस, उसके बाद तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे अंदर से सारा कुछ पता नहीं क्या निकल गया हो, और मुझे इतना लाइट, इतना हल्का फील होने लगा कि मतलब ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरी सारी मतलब जो मेरी प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ठीक कर दी। और उसके बाद मैंने लंगर भी किया रात को, वहां आराम से बैठ के लंगर खाया गुरुजी का, लंगर प्रसाद की। तो ये महिमा होती है गुरुजी के प्रसाद की कि मतलब वो हर किसी को खड़ा कर देते हैं, मतलब अपना प्रसाद खिला के। और इसके बाद मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी जो थे, मेरे मम्मा पापा, उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, उनको भी लाइफ दी, न्यू लाइफ दी, और इवन मेरी, मुझको, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को, ये जो लाइफ हमारा, मैं जो आपके सामने सत्संग कर रही हूँ, ये भी गुरुजी की दी हुई है। और मेरे मम्मा पापा को भी, मेरी मम्मा भी जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में एम्पायर स्टेट में थे, तभी मेरी मम्मा भी गुरुजी से जुड़ गए थे, तब वो गुड़गांव आए थे, तो हम उनको भी एम्पायर स्टेट लेके गए थे। उस समय गुरुजी हर किसी को स्वरूप जल्दी से नहीं मिलता था, गुरुजी का फोटो या लॉकेट मतलब ऐसे नहीं मिलता था बहुत जल्दी से आपको। तो तब
मम्मा जब फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन मुझे याद है जब मम्मा फर्स्ट टाइम आए थे वो गुरु जी को एम्पायर स्टेट मत्था टेकने गए थे, तो गुरु जी ने पहली बार में ही मम्मी को फोटो अपना स्वरूप दिया था, और वो स्वरूप मम्मा हमेशा अपने साथ अपने पर्स में हमेशा रखते हैं। तो अभी पीछे लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर जुलाई अगस्त की, तो मम्मा पापा पापा को जो था, मेरे फादर को प्रोस्टेट का कैंसर हुआ था पहले, तो उनका ट्रीटमेंट भी यही दिल्ली में ही हुआ था, वो लोग यहीं आए थे। और गुरुजी ने कैसे वो जो इतना क्रिटिकल जो वो था पीरियड उनका और हमारे लिए भी इतना मुश्किल समय था, तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स देके अपना लंगर प्रसाद खिला के और हम लोगों को मंदिर बुला के वो ठीक कर दिया। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि तुम तो मतलब सिर्फ मतलब उनके लिए सिर्फ प्रे कर सकते हो, जो करना है वो तो मुझे ही करना है मतलब। तो गुरुजी, और ये सच भी है, हम तो वहां जाके उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन जो गुरुजी कर सकते हैं, गुरुजी जो ब्लेसिंग दे सकते हैं आपको, मतलब गुरुजी को आप जाके प्रे करोगे, तो गुरुजी ही ने ही संभाला उनको सारा कुछ। उनका जितना भी ट्रीटमेंट हुआ, वो जो इतना टाइम गुरुजी ने उनका कटवाया, वो इतना स्मूथली हमें मंदिर बुला बुला के गुरुजी ने कैसे मतलब हम उनके लिए हमें ब्लेस किया, ब्लेसिंग दी कि वो उससे ठीक हो गए, उनका प्रोस्टेट कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया, क्योर हो गया, और वो बिल्कुल ठीक हो गए जब यहाँ से गए। और गुरुजी ने अपना लंगर प्रसाद भी उनको खिलाते रहे टाइम टू टाइम अपने पास बुला के। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका कि आपने इतना मतलब संभाला हुआ है। फिर मम्मा की नी की सर्जरी हुई, उनके नी की सर्जरी के टाइम भी वो एक टाइम ऐसा इतना मतलब क्रिटिकल टाइम था वो मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए भी, और उधर मम्मा पापा के लिए भी, कि वो एक के बाद एक जो एक प्रॉब्लम्स आ रही थी, लगता था गुरुजी कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता था, बट महाराज थे, महाराज की कृपा थी, उन्होंने संभाला और आज भी संभाले हुए हैं। जब मम्मा की नी की सर्जरी हुई तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम था, और वहाँ पे जब नी की सर्जरी मम्मा होके और घर आए, तो मैं उस समय मम्मी के पास ही थी, और हुआ ये कि तब भी सैटरडे का ही दिन था, और उस दिन में पापा को थोड़ा सा अनइजी फील हो रहा था, क्योंकि मम्मी की नी की सर्जरी होके आए थे, तो वो अभी चल नहीं सकते थे, उनको ज्यादा टाइम नहीं होता, सिर्फ 5-6 दिन हुए थे। तो पापा को आप एक दिन दोपहर की बात है, हम लोग लंच वगैरह करके बैठे हुए थे, और पापा को थोड़ा अनइजी फील हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उनको, और एकदम से बहुत पसीने आ गए, घबराहट होने लगी। तो मुझे लगा शायद पता नहीं वैसे गैस्ट्रिक हो रहा है या कुछ और उस तरह से हो रहा है, लेकिन नहीं, पापा ने 2-3 बार बोला कि बेटा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तुरंत डॉक्टर अंकल को, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनको कॉल किया, क्योंकि मैं उस समय अकेली थी, उस समय पापा मम्मा के पास और कोई था नहीं, ब्रदर वगैरह थे नहीं उस समय में वहाँ पे। तो मैंने उनको कॉल किया अंकल को, डॉक्टर अंकल को, कि अंकल इस तरह से पापा को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप इनको ना यहाँ पे ले आओ। मैंने कहा अंकल वो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है, मम्मा अभी नहीं चल सकते, वो उनके साथ भी कोई चाहिए, तो मैं अभी तो नहीं ला पाऊंगी, आप मुझे बताओ कि मैं इंस्टेंट कुछ कर सकूं। तो बोले ठीक है, मैं आपको ना अभी व्हाट्सएप करता हूँ दवाई का नाम लिख के, आप वो मंगा लेना। पर संगत जी दवाई भी तो लेने को ही जाना ही, मतलब किसी को जाना ही पड़ता। तो इतनी देर में उनका फोन रख के मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने विदाउट वेस्टिंग अ मिनट मैं गई मम्मी के मंदिर में, वहां गुरु जी का स्वरूप रखा है, गुरु जी का जल प्रसाद रखा था, वो मैंने लेके आई और मैंने मंत्र जाप करते हुए पापा के मुंह में डाला, और मैं कंटिन्यूस गुरु जी का मंत्र जाप करती रही, और वो जल प्रसाद गुरु जी का जो था वो पापा के मुंह में जैसे ही जैसे डालती गई, तो धीरे धीरे विद इन फ्यू मिनट्स मतलब पापा को थोड़ा आराम आने लगा और थोड़ा ठीक लगने लगा। फिर बाद में जब शाम को मेरे ब्रदर वगैरह आए और पापा को लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर अंकल के पास दिखाने के लिए, तो उन्होंने पापा का चेकअप वगैरह टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने बताया कि इनको तो माइनर अटैक आया था और कुछ भी हो सकता था। क्योंकि दवाई भी तब तक मैं तो नहीं मंगाई थी, उन्होंने बोला मेडिसिन आपने मंगाया था, मैंने बोला अंकल मेरे पास तो कोई था ही नहीं। तो बोले कि अच्छा चलो ये बहुत अच्छी बात हुई कि वो बिल्कुल ठीक है, कुछ हुआ नहीं। तो ये सब गुरु जी की कृपा है कि गुरु जी ने वहां पे ऐसे टाइम पर भी पापा मम्मी को संभाला और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। उसके बाद हमने गुरु जी का शुक्राने का सत्संग भी किया, और वहां भी कितनी संगत जो थी वो पापा मम्मा के साथ वहां पे सत्संग में आई और आके जुड़ गए वो लोग भी गुरु जी से। और अब मतलब इतनी जहाँ भी गुरु जी का सत्संग होता है वो गुरु जी की मर्जी से होता है, गुरु जी ने जिसको जोड़ना होता है, और वो गुरु जी डिसाइड करते हैं कि टाइम भी कि किसको कब बुलाना है,
कैसे बुलाना है। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि गुरु जी ने मेरी पूरी फैमिली को, मेरे परिवार को, सबको जोड़ के रखा हम लोगों को। और इसके बाद एक सत्संग में और सुनाती हूँ आपको। मेरे को भी पहले जब हम सेवा पे जाते थे तो मुझे साइनस का प्रॉब्लम था। मतलब मेरे को ना जैसे रात को बहुत ज्यादा नाक एकदम बंद हो जाता, एक दिन नाक बंद हो जाती थी और मुझे बिल्कुल सांस नहीं आता था। मुझे मुझे बहुत ज्यादा साइनस की प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी जब आपको अपने पास बुलाते हैं, अपना लंगर खिलाते हैं, आपको सेवा देते हैं, तो वो सब आपके कर्म काटने के लिए, आपके कष्ट खत्म करने के लिए। तो गुरुजी बुलाते रहते हैं और आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो जब एक बार की बात है, विंटर्स का बहुत पीक विंटर्स का टाइम था और मेरे को रात को बहुत ज्यादा, मतलब मेरी एकदम नाक दोनों ऐसे लगा बंद हो गई है, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो मैं रात को उठ के, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं कहा गुरु जी मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। और मैं बहुत देर तक बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप बस करती रही करती रही करती रही। संगत जी उसके बाद, मतलब मुझे इतना वो गुरु जी का मंत्र जाप करते करते मुझे पता नहीं चला कि मुझे कब रात को वो नींद आ गई और मेरी वो जो नाक बंद हो गई थी, मुझे जो साइनस का प्रॉब्लम था मेरा, वो ठीक हो गया। मतलब गुरु जी तो ऐसे करते ना, आप उनको कभी भी कहीं भी याद करो, गुरु जी हमारी लाइफ लाइन है। जब भी उन्हें याद करते, कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी हो, और गुरु जी तुरंत सुन के हमारे पास चले आते हैं, मतलब हमें ब्लेस कर देते हैं। और इसके बाद एक सत्संग और छोटा सा मैं सुनाऊंगी आपको कि एक बार मेरे बेटे ने, छोटे वाले ने, वो छोटा, बहुत छोटा सा था जब हम एम्पायर स्टेट गुरु जी के पास जाते थे, फिजिकल फॉर्म में थे। तो मुझे वो सत्संग अभी इसलिए याद आया गुरु जी का कि ये इतना छोटा था। हम मन, हम कहते हैं ना, हम गुरु जी को कहीं भी याद करते, गुरु जी तुरंत अपना परिचय देते हैं, अपना साक्षात्कार कराते हैं हमें कि हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो उसने अंदर से बाथरूम का डोर लॉक कर लिया। अब डोर लॉक कर लिया तो वो इतना छोटा बच्चा था कि उसका पता नहीं कैसे कर लिया कि वो खोलना भी नहीं जानता था। और वो इतनी टाइट थी उसकी जो लॉक थी बाथरूम की कि वो खुल नहीं, मतलब खुल नहीं पाता उससे। तो मेरे को बड़ी चिंता हुई। तो मैंने वो आंटी जो मेरे मेरे ही उस पर फ्लोर पर रहती थी, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा देखो इसने डोर बंद कर लिया, मैं क्या करूँ। तो हाँ, वो बोलती कोई बात नहीं, चिंता मत करो, अभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, गुरु जी दरवाजा खुलवा देंगे। मैंने, और क्योंकि वो बाथरूम का जो, मतलब वो बाथरूम इतना छोटा सा था और अगर हम उसको बाथरूम को तोड़ते भी, मतलब ऐसे धक्का देके पुश करके, तो उसमें इतनी जगह नहीं थी पीछे कि वो बच्चा, मतलब वो दरवाजा कहीं और, वो उसी के ऊपर गिरता तो उसको चोट भी लग सकती थी। तो मैं इतना डर गई, मैंने बोला गुरु जी अब कैसे, ये तो खोलना भी नहीं जानता, इसको तो आता भी नहीं है, कैसे खोलेगा। बट वो गुरु जी ने उससे वो अंदर से कैसे दरवाजा खुलवाया, मैं तो मतलब जैसे उसने खोला ना, मैंने जय गुरु जी बोला। मतलब इतने सत्संग है संगत जी गुरु जी के, तो हर सांस के साथ गुरु जी का सत्संग है। गुरु जी डेली पल पल हमें संभालते हैं, हमें हर प्रॉब्लम से बचाते हैं, प्रॉब्लम से निकालते हैं। पीछे इतना जो पेंडेमिक जो गया है कोरोना टाइम, तब भी गुरु जी ने इतना संभाला पूरी फैमिली को, सबको, किसी को कुछ नहीं होने दिया। तो सबके लिए मैं गुरु जी को थैंक यू करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें अपने चरणों में जगह दी हुई है। आपका हमेशा अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना सारी संगत पर। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना आपका। अंकल मैं अपनी वाणी को इसके साथ यही विराम देना चाहूंगी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है संगत जी तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो, जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनीता आंटी, जय गुरु जी सारे गुरु परिवार को। आपने इतने अच्छे सत्संग सुनाए गुरु जी की, हर एक सत्संग में गुरु जी की महिमा का जो आपने गुणगान बताया है, हर एक सत्संग में इतनी स्ट्रेंथ मिलती है और पॉजिटिविटी मिलती है सब लोगों को सुन के, कि एक एक सत्संग में आपका इतना भाव था ना कि बहुत ही, मतलब हम बहुत अपने आप को ब्लेस फील करते हैं कि सच में गुरु जी का होना हमारी जिंदगी में, हम उनके बिना भी ऐसा हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे, मतलब चाहे वो हम, हमारे बच्चों का है सत्संग, जैसे आपने अपने बच्चों का बताया कि उसका प्रेजेंटेशन था जब बच्चा बाथरूम में लॉक हो गया, लाइक उस, हमें सबसे पहले गुरुजी की थॉट आती है। और गुरुजी हर जगह पे हैं, सूरज की रोशनी भी जहाँ पे नहीं पहुंच सकती वहां हमारे गुरुजी पहुंच जाते हैं। सही बात है। और सबको कैसे कैसे आपको,
हाँ जी, और कैसे कैसे गुरुजी ने जोड़ा आपको। अगर देखिए, सबसे पहले जब भी तबीयत खराब हुई और आपको आंटी ने बोला बच्चा नहीं सो नहीं पा रहा, वो जब तकलीफ जो आती है ना, वो जो गुरुजी से हम जुड़ते हैं तो वो उस तकलीफ का शुक्राना बहुत जल्दी निकलता है। मतलब वो ही है, क्योंकि जब तक हमें तकलीफ नहीं आए तो हमें लगता है कि हम हमारी लाइफ में सब अच्छा है और हम कर रहे हैं, बट गुरु जी के आने का एक बहाना होता है ये सब। और जैसे फिर आपने मंदिर में जैसे सुनाया कि आपको लग रहा था कि चाय प्रसाद वो सिंगला अंकल देखेंगे, बच्चों को लेके नहीं जाना, बट वो गुरु जी का एक लीला ही रहती है, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनके दरबार तक जाना और नहीं जाना वो सब गुरु जी के हाथ में होता है। अगर आप अपने बेटे को उस दिन लेके गए तो गुरु जी की ही मर्जी थी उस दिन, अदरवाइज वो आने ही नहीं देते, वो पूरा हमें कंट्रोल करते हैं गुरु जी की, उनकी इतनी पावर है। तो क्या मतलब उनकी क्या महिमा, उनकी क्या बोली जाए, हमारे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं कि। और सबसे बहुत अच्छा आपने मैसेज, आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि गुरु जी का ये वाकई में ही है, और ये हुक्म ही समझो गुरु जी का, कि जब हम गुरु जी के लिए जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी के लिए नहीं जाते, गुरु जी के पास जाते हैं, वो हम अपने लिए जाते हैं, और गुरु जी के हुक्म के साथ ही हम उनके दरबार में, चाहे सत्संग है, चाहे उनका मंदिर में है, कहीं भी हम जाते हैं तो गुरु जी की मर्जी से ही हम जाते हैं और वो हमारे साथ होते हैं। और इसी तरीके से ये सोच के ही हमको अपने उसी भाव से जाना है और उसी भाव से घर पे वापिस आना है, वापस ताकि आना है। उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना, जो गुरु जी ने ब्लेस करने के लिए जहां भी हमें बुलाया है, किसी सत्संग में या मंदिर में, वहां पे जो कल्याण करना है, वो चाय प्रसाद जो है हमें दिखता है, वो एक चाय प्रसाद है या लंगर प्रसाद है, हम उसमें रोटी सब्जी देखते हैं, वो नहीं, वो ऐसी ब्लेसिंग्स होती है कि पता नहीं कितने कितनों का कल्याण कर जाए हमारा, अगले पिछले। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे लिए यही हो जाती है कि हमारे सब अपनों को जोड़ के रखते हैं, जैसे आपने आपके फादर का, मदर का, वो सब बताया। सो इतनी अच्छी आपकी एक एक सत्संग में इतना प्यार गुरु जी का महसूस कराया कि मुझे लगता है यहाँ पे जुड़े हुए सारे गुरु परिवार और जो बाद में भी जो सुनेंगे तो हमेशा इतना अपने आप को महसूस कराते हैं कि हम कितने लकी हैं कि गुरु जी ने हमें अपना बनाया और अपने होने का एहसास कराया। सो थैंक यू सो मच, और आई विश कि आप जल्दी दोबारा से इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी आपको दोबारा से अपनी और सत्संग शेयर करने के लिए मौका दें, और हम बेसब्री से सब इंतजार करेंगे। सो अभी मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगी कि सबको अनम्यूट कर दे आगे लेने के। ओवर टू यू। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना आज के सत्संग के लिए। थैंक यू सुनीता आंटी एंड थैंक यू पूजा आंटी। संगत जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेक ऑफ।